दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी गाड़ी की जिसने महिंद्रा की काया पलट कर दी और इंडिया का भी ग्लोबल लेवल पर नाम किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा की सबसे सक्सेसफुल एसयूवी महिंद्रा स्कॉर्पियो। इस गाड़ी को लॉन्च हुए 22 साल होने को है और महिंद्रा ने 2022 में इसका नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च किया स्कॉर्पियो एन, जो कुछ ही दिनों में लोगों की पहली पसंद बन गई है। जिसके बाद भी कंपनी ने अपने ओल्ड वेरियंट को डिसकंटिन्यू नहीं किया है, जबकि उसे कंपनी स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से आज भी सेल कर रही है। ये गाड़ी महिंद्रा के लिए कितनी बड़ी सक्सेस रही ये तो आप सबको पता होगा, बट स्कॉर्पियो का जन्म कैसे हुआ और कंपनी ने इसके लिए क्या क्या किया, इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्योंकि अर्ली 90s के टाइम पर महिंद्रा इतनी बड़ी कंपनी नहीं हुआ करती थी, वो जॉइंट वेंचर पर इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम किया करती थी। महिंद्रा का जॉइंट वेंचर सही चल रहा था, बट आनंद महिंद्रा इसे एक बड़े ब्रांड के तौर पर इंडिया में रिप्रेजेंट करना चाहते थे। इसके चलते महिंद्रा कंपनी ने जनरल मोटर्स में काम कर चुके पवन गोयनका को हायर किया और एक 7 से 8 मेंबर्स की छोटी टीम बनाई, जिन्हें प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो पर काम करने को कहा। टीम ने 2 प्रपोजल क्रिएट किए, पहला जो कमांडर जीप महिंद्रा बनाती थी जो ऑलरेडी काफी सक्सेसफुल थी, उसी के डिजाइन में कुछ चेंजेस करके नया प्रोडक्ट बनाया जाए, या दूसरा एक कंप्लीट नई अर्बन एसयूवी बनाई जाए जिसका बजट लगभग 800 करोड़ रुपए रखा गया। पहला ऑप्शन महिंद्रा के लिए इजी एंड चीप था, बट जो आनंद महिंद्रा सक्सेस चाहते थे वो इस ऑप्शन से नहीं मिल सकता था, क्योंकि दूसरी तरफ टाटा एक से एक नई गाड़ी लॉन्च कर रही थी और इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ बना रखी थी। इसी चीज को देखते हुए आनंद महिंद्रा ने दूसरा ऑप्शन चूज किया और पवन गोयनका के साथ मिलकर स्कॉर्पियो बनाने का प्लान किया। बट जैसा कि मैंने पहले बताया, उस टाइप पर महिंद्रा इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी और 800 करोड़ रुपए का बजट एक नई गाड़ी के लिए बहुत ज्यादा था, जिसे कट डाउन करके 600 करोड़ रुपए कर दिया गया। पवन गोयनका ने अपनी टीम को इसे कम बजट में बनाने के लिए राजी कर लिया। महिंद्रा स्कॉर्पियो के डिजाइन को 26 साल के IIT ग्रेजुएट श्याम कुमार अल्लेपल्ली ने डिजाइन किया। वही इसका इंटीरियर मुंबई की कृपा नथन ने किया, जिसे देखते ही आनंद महिंद्रा ने फाइनल कर दिया। एंड 5 साल की कड़ी मेहनत और R&D के बाद महिंद्रा ने ये गाड़ी मात्र 550 करोड़ के बजट में ही कंप्लीट कर दी। 2002 ये वो साल था जिसे महिंद्रा के इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट साल कहा जाता है, क्योंकि महिंद्रा स्कॉर्पियो ने लॉन्च होते ही मार्केट में कोहराम मचा दिया, जिसे महिंद्रा वालों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उस टाइम पर ये गाड़ी टाटा सफारी की डायरेक्ट राइवल थी, जो लगभग 9 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पर आती थी। वही स्कॉर्पियो 5.5 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पर आती थी, जिसका बेनिफिट स्कॉर्पियो को मिला और लोगों ने इसे खूब पसंद किया। महिंद्रा एंड टाटा की ये राइवलरी बहुत पुरानी है और इस बार महिंद्रा ने बाजी मार ली। स्कॉर्पियो की सेल टाटा सफारी से ज्यादा होने लगी और ये मार्केट में इंस्टेंट हिट बन गई। महिंद्रा ने 2006, 2009 और 2014 में इस गाड़ी के फेसलिफ्ट्स लॉन्च किए, जिसमें पावर एंड टॉर्क के साथ साथ कई कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए, जिसे लोगों का खूब प्यार मिला। वही सफारी के प्राइस कट डाउन होने के बावजूद सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं हुई। वही स्कॉर्पियो का प्राइस 8.5 लाख तक चला गया, फिर भी महिंद्रा की सेल्स बढ़ती गई, जिसे देखते हुए टाटा वालों को उस टाइम पर सफारी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। एक तरह से स्कॉर्पियो ने टाटा कंपनी को बहुत बड़ा डेंट किया। वही महिंद्रा को इंडिया में एक जाना माना ऑटो सेक्टर का नाम बना दिया, जिसके बाद महिंद्रा ने वापस मुड़कर नहीं देखा। फिर महिंद्रा ने इसी गाड़ी का न्यू जनरेशन लाने का प्लान किया और 21 साल के बाद मार्केट में महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन लॉन्च किया, जिसे बिग डैडी SUV का नाम दिया गया, क्योंकि ये गाड़ी फॉर्च्यूनर जैसे डायमेंशन के साथ आती है, वो भी फॉर्च्यूनर से आधे प्राइस पर। महिंद्रा ने स्कॉर्पियो के सक्सेस के बाद इसी गाड़ी को एज ए पिकअप ट्रक ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका में लॉन्च किया, जिसे वहाँ बहुत पसंद किया जाने लगा। और अभी हाल ही में महिंद्रा न्यू स्कॉर्पियो एन का भी पिकअप वर्जन स्कॉर्पियो एक्स के नाम से ला रही है, जो दिखने में काफी स्टाइलिश एंड मस्कुलर लग रहा है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज शेयर योर थॉट्स ऑन दिस एंड कंसीडर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इट हेल्प्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।